आ जाए इमली वाले रामबाग बालाजी के दर्शन करने। ये रामबाग बालाजी का मंदिर है। भगवान शिव जी का मंदिर पिंड विंड और यहाँ पे भगवान जी की धूप धूप लगती है। जाली वाली इसलिए लगा रखी है कि यहाँ पे बंदर आते हैं ना तो अंदर ना चले जाए। और ये भी तो कमेंट में बताना कि कौन यहाँ पे आ चुका है पहले। रामबाग बालाजी के हम तो पहले कई बार आ चुके हैं और ये पहले मतलब ये मंदिर इतना ये नहीं था। इस पे ना एक दो साल से काम चल रहा है। पहले दीवारें भी नहीं थी ना कुछ ऐसा एरिया था, बस वो मंदिर था। अब एक दो साल में हुआ है काम, जो दीवारें बन गई और मतलब लाइट वाइट सब लग गए यहाँ पर, जो कि बहुत बढ़िया मतलब मंदिर अब अच्छा लगने लगा। पहले वो सिर्फ ये जो बना हुआ है ना ये यही था और कुछ नहीं था। ओ भाई जी, यहाँ की जो मेन बात है ना वो ये है कि यहाँ पे इमलियाँ बहुत सारी है, क्योंकि इस बाला ये जो बालाजी इनको इमली वाले बालाजी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ इमलियों की संख्या मतलब 15, 10, 11, 12, 13 इमलियाँ हैं अभी गिनते कितनी है, तो इसको इमली वाले बालाजी भी बोलते हैं। 3, 4 पूरी इमली ना बतानी मतलब बहुत साल पुरानी है, मतलब 50-60 साल से भी ज़्यादा पुरानी होगी इमली। अभी तो इमली का सीज़न चला गया, मतलब जब भी सीज़न आता ना इमली का तो यहाँ पे इतनी सारी इमली आती है, पूरे जो बोटुंदा है ना सब इमली खा पाते इसकी। बहुत बड़ी है देखो, तो यहाँ पे अपनी 4 इमली है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तो भाई यहाँ पे टोटल 14 इमली के पेड़ है, मतलब 14 इमली के पेड़ है यहाँ पे टोटल इमली है, मतलब 14 है। There's no heart beating inside your chest. It's vanished into thin air, never to be seen again. दूर से देखो मंदिर का नजारा कुछ ऐसा दिखता है। अभी तो यहाँ पे बंदर नहीं है, मतलब बंदर बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, इसलिए वो जाली वाली लगाई हुई है। और ये आसपास देखो खेत है। तो आपको व्लॉग अच्छा लग रहा होगा और भाई भाग लो, पहला कमेंट करो, पहला लाइक करो और गिवे में ज्वाइन हो जाओ। 15 दिन तक कंटिन्यू फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट करो और विन हो जाओ। तो देखो एंजॉय करो व्लॉग को भाई। देखो इमली वाला है ये, जब नवरात्रा होते हैं ना यहाँ पर तो यहाँ पे बहुत आते हैं, मतलब बहुत दर्शन करने आते हैं यहाँ पे। तो देखो मंदिर भी बड़ा प्यारा है, मंदिर यहाँ पे पक्षियों के लिए परिंदे पे बने हुए हैं, पक्षी अच्छे पानी पी ले, क्योंकि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया ना तो पक्षियों को भी पानी चाहिए होता है। उधर भी बड़ी विशाल विशाल इमली है। इमली का मतलब आकार देख सकते हो कितनी बड़ी है, और ये मतलब बहुत सालों से ये सही है, मतलब यहाँ तो मस्त खेतों को पानी पिलाते हैं, यहाँ से पानी जाता है फिर खेतों के अंदर चला जाता है। तो दिखाता हूँ और
जैसा दिखता है। तो सबसे विशाल इमली यही है, सबसे बड़ी इमली यही है। आकार देखो, ये इधर भी इमली है बहुत सारी। देखो यहाँ पे कुआ भी बना हुआ है। देखो ये कुआ दिखाता हूँ मैं आपको। देखो इस कुएं से भी ना फसलों को पानी पिलाया जाता है। अभी पूरी कंडीशन में नहीं है कुआ, ये टूटा फूटा है। यहाँ पे देखो जो भी कोई रसोई वसोई करता है उसके लिए बना रखी है, एक गैस चूल्हे की जरूरत नहीं है, इसको ही बना रखा है, इसमें बन जाती है आराम से। और यहाँ पे इमली थोड़ी बहुत नहीं आती है, बहुत सारी संख्या में आती है, मतलब पूरा बोट उमला है ना, सभी लेके जाते हैं इमली यहाँ से। ऐसे नहीं होते कि थोड़ी थोड़ी आ रही है, ऐसे नहीं हो, मतलब आप आज शाम को लेके जा रहे हो, सुबह आके देखोगे तो उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे इमली मिल जाती है। सो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर दिया करें, क्योंकि आपका फर्ज है कि लाइक करना सब्सक्राइब करना। आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई लाइक कर देना और चैनल को शेयर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, और आई होप कमेंट करके बताना कि कौन लंबाग वाला जी पहले आ चुका है, कौन नहीं आ पाया, और मंदिर कैसा लगा, ब्लॉग कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।